Okay, so guys, first of all, welcome to Glitz Vision USA. Okay, Thank apologies you. that we are really celebrating this 1 year segment a bit late. Okay, तो पहले तो अपने fans को कुछ message दे दीजिए कि अभी काफी एक महीने बाद हम आपको cover करें तो उसके लिए कुछ message देना चाहे तो. Yes, thank you. So much. हम सबकी तरफ से पूरी टीम की तरफ से. अच्छा, एक साल जो पूरा हो गया उस पे आप अपने बस व्यूज दे दो. चलो गाइस, दिस व्यूज या यू नो योर थॉट्स. आई थिंक एक साल पूरा हो गया और एकदम जिसे कहते हैं कि पता भी नहीं चला. बस गुजर गया एक साल कैसे, 365 डेज हो गया. आई थिंक काफी दिन होते हैं और यू नो बस यही चाहेंगे कि और कहेंगे कि यार जो प्यार एक साल भरपूर दिया आप लोगों ने, यही आप हमें हमेशा देते रहिए. आगे हम अच्छे-अच्छे एपिसोड निकालते रहेंगे और करते रहेंगे शूट. अदिति, सम वर्ड्स फ्रॉम यू कंप्लीटिंग 1 year विद नाम करें. बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि एक साल हो गया और कैसे बीत गया पता नहीं चला. और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सब लोगों को थैंक यू कि आप लोग नामकरण देखते हो और नहीं भी देखते हो तो देखिए. और आई होप कि आगे के एपिसोड्स भी आपको अच्छे लगेंगे. I think completion of 1 year, really, because I think it has reached a landmark, I would say, because it's not easy to complete a year and to be, you know, इतने आप अच्छे तरीके से शो चलाएं, पूरे डेडिकेशन के साथ चलाएं और यू नो एट द सेम टाइम फैन बेस भी बना के रखें, बरकरार रखें पूरे एक साल. यू नो होता है कि दो महीने फैंस हमारे साथ में होते हैं, फिर तीसरे महीने हट जाते हैं. सो वी मेंटेन ऑल टुगेदर. आई थिंक इट्स अ टीम एफर्ट कि भाई पूरे साल फैंस हमारे साथ हमारे सपोर्ट के लिए रहें. और आई थिंक दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस. अदिति, योर फेवरेट मोमेंट इन दिस 1 year ऑफ नाम करने की वो मेमोरेबल मोमेंट्स आपके लिए. मेमोरेबल तो बहुत सारे मोमेंट्स रहे हैं, कुछ एक नहीं बोल सकती हूं. बट हाँ, यही है कि आप लोगों ने अपना प्यार कभी कम नहीं किया हमारे लिए, वो सबसे बड़ी बात है. आई होप कि आगे भी आप देते रहें अपना एक. आई थिंक हर एक ट्रैक अलग अलग रहा है. पहले कुछ अलग ट्रैक था, बहुत ही टशन वाला ट्रैक था. फिर बीच में दयावंती को जो मैं मारती हूँ, यू नो, हाथ में क्या बोलते हैं उसको, चाबुक. हाँ, चाबुक हाथ में होता है. वो भी ट्रैक बड़ा इंटरेस्टिंग था. और उसके बाद में जब शादी हो जाती है, वो भी ट्रैक इंटरेस्टिंग था. फिर उसके बाद में जब शादी से हम जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो पूरा नामकरण भी इंटरेस्टिंग था. Well, I think starting से लेके end तक बहुत सारे ups and downs रहे हैं. I think जिस time पहली शादी हुई थी, फिर जब एक ब्रेक डाउन था, जब ये पता लगता है कि भाई अभी नहीं रहे, अभी मर चुकी है, तो आई थिंक वो मेजर ब्रेक डाउन था. फिर जब आप पहली बार अपनी को देखते हैं, नील देखते हैं, अभी रिसेंटली आई थिंक आने वाले कल या परसों के एपिसोड में, वो भी एक बहुत ही मेजर और बहुत अच्छा सीन हुआ था, बहुत बड़ा सीन था. तो आई थिंक ऐसे ऐसे कुछ फनी सीन्स ऐसे थे कि रोमांटिक सीन्स ऐसे थे जो आई थिंक ऑडियंस को बहुत अलग ही लेवल पे देखने को मिले और यू नो अच्छे थे, करने में मज़ा आया. आई थिंक तो या आई थिंक अगर एक एक्टर को कुछ कोई सीन करने में मजा आता है और ऑडियंस को अच्छा लगता है, आई थिंक दैट्स व्हाट काउंट्स. ओके, द मोस्ट डिफिकल्ट सीन यू हैव डन इन नामकरण, व्हिच रियली चैलेंज यू एज एन एक्टर, वो कौन सा सीन होगा? चैलेंजिंग आई थिंक वही, आई थिंक जो ब्रेकडाउन था अपनी जब मर जाती है. ओके, और वो जो ब्रेकडाउन था वो चैलेंजिंग था. और काफ़ी सारे आई थिंक मैंने तो बहुत सारे चैलेंज आई थिंक रोल्स निभा लिए यहाँ पे नाम के रूप में, क्या बहुत सारी चीज़ें हुई. सो एज एन एक्टर आई लर्न्ड अ लॉट. आई थिंक बहुत सारे रहे हैं, पर जब भी ऐसा सीन होता है जिसमें मुझे जंप करना होता था तो ऑफ कैमरा हम लोग हार्नेस यूज़ करते थे, तो बहुत सारे सीन मेरे लिए बहुत 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 मुश्किल रहे हैं. ओके, योर फेवरेट अवनीत सीन. अमीर के तो बहुत सारे सीन्स हैं जो बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, बहुत ही हमें प्राउड फील कर रहे हैं. यस यस यस
सचमुच, तो हमें उन सीन से बहुत प्यारे का सारे सीन्स बहुत ही यू नो मेहनत से बहुत ही प्यार से हमने आपके लिए निकाले. Now tell us about the first perception, you know, when you first initially started working together, and because 1 year has passed, what is your perception towards each other now, then starting with you? Aditi, Manisha, I think initially we used to fight a lot. पर आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया कि हम लोग लड़े नहीं एक दूसरे से. तो कितने आई थिंक 2-3 महीने हो गए शायद लड़े नहीं है, से काम कर रहे हैं. सो आई थिंक पहले जल्दी जल्दी से बुरा मानते थे, छोटी सी बात है. Because I have seen her growing, so I think that's a brilliant job that she's done. Yeah. Aditi, same question. I think अभी मैं Zen की बहुत ज़्यादा respect करती हूँ. और पहले नहीं करती थी. हाँ, तो मैं अभी ज़्यादा respect करती हूँ. और अभी क्या बोलते हैं कि हाँ, अच्छा लड़का, he's a good, he's a nice guy. अच्छा लड़का. Okay.